नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं थर्सडे के एक्सपायरी वाले दिन। ये वीडियो आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि सुबह 7 बजे आपको निफ्टी का वीडियो मिले और इवनिंग में 6 बजे डेली आपको स्टॉक का एनालिसिस का एक वीडियो डेली मिले। यहां बात करते हैं कि 4 अप्रैल को बाजार कैसा रहा। अगर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार एक रेंज के अंदर में है। बाजार को देखेंगे तो बाजार 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, 520-530 के आसपास में, और नीचे में 350 के आसपास में बाजार एक लेवल बना के बैठा हुआ है। तो 350 से 500 की मैं ये मान के रखिए 500 और नीचे में 350, तो ये एक रेंज है बेसिकली। इस रेंज के अंदर में बाजार बार बार इसी रेंज को ट्रेड कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीआई की मीटिंग है 3 से 5 अप्रैल के लिए। अब उसके बाद आरबीआई जो घोषणा करने वाला है, शायद उसका असर आज बैंक निफ्टी में नहीं पीएसयू बैंक्स पे दिखाई देने को मिला। नजर डाल के देखते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में कि यहां पे चलने वाले शेयर्स कौन से थे। पीएनबी बैंक 7% के आसपास में, एयू बैंक 2.5% के आसपास में, एक्सिस बैंक 1.5% के आसपास में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1%, एसबीआई 6.6%, फेडरल बैंक, मतलब यहाँ पे जो बड़े बैंक थे, एचडीएफसी बैंक आज नहीं चला, आईसीआईसी बैंक नहीं चला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, तो बेसिकली जो मेजर मेजोरिटी वाले शेयर थे एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक जो निफ्टी के मेजर बैंक है, कोटक बैंक, ये सब माइनस में फ्लैट दिखाई दिए। तो असली रैली जो दिखाई दी वो पीएसयू स्टॉक्स में दिखाई दी, पीएसयू बैंक्स के अंदर दिखाई दी। मोदी जी ने अभी भी आरबीआई गवर्नर को कहा है कि भैया जैसे ही 3 महीने होंगे, जैसे ही सरकार बनेगी, जैसी सरकार सत्ता में आएगी, आपका काम डे वन से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के लिए ये एक ऐसा सिग्नल था जो बैंक्स ने आज दिखाया। तो जितने भी शेयर हमारी लिस्ट के अंदर में थे, वहां पे सबसे ज्यादा बढ़ने वाले पीएसयू स्टॉक्स दिखाई दिए। पीएनबी हो, नेशनल एल्युमिनियम हो, इरेडा हो, अब देखिए बहुत सारे शेयर, आईएफसीआई हो, या काफी सारे शेयर थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, ये बहुत सारे स्टॉक्स जो चलते हुए दिखाई दिए। अब कल थर्सडे के दिन एक्सपायरी दिन क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टा ऑप्शंस के पास में, जो फायर्स का टूल है। फायर्स का अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक दारोमदार आपको दिख जाएगा कि मॉर्निंग में 12:48 के बाद से जो पीसीआर रेशियो थी वो डाउन होनी स्टार्ट हुई। पीसीआर को कैसे रीड करते हैं? पीसीआर अगर 1 से ऊपर होती है तो बाजार बुलिश होता है, पीसीआर 1 से डाउन होने स्टार्ट होती है तो बाजार बेयरिश हो जाता है। तो यहाँ पे 12:48 के बाद से आप लगातार देख सकते हैं पीसीआर हमेशा से डाउन होती गई और एंड में पीसीआर 0.85 मतलब 1 के नीचे बंद हुई। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट दिखाई दिया कि हाँ कल शायद निफ्टी बेयरिश हो सकती है, क्योंकि बाजार ने एक्चुअल में 500 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया, 350 के आसपास का लो लगाया, लो लगाने के बाद बाजार में एक रैली दिखाई दी, रैली यहां से चली और वापस से 520 के आसपास जाके फिर दोबारा से बाजार 450 के आसपास क्लोज हो गया। वहीं तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बाजार में कुछ खास दिखाई नहीं दिया, पूरा फिर से वही डॉजी कैंडल का सिलसिला जारी है। क्यों है? क्योंकि जब तक आरबीआई की मीटिंग क्लियर नहीं होती ये ज्यादा कुछ आपको इंडिकेशन देगा नहीं। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, यहाँ पिछले 4 दिन से आप देख सकते हैं 4 दिन की जो रेंज है वो ये है। यहाँ हाई के ऊपर 500 के आसपास में निफ्टी सस्टेन नहीं कर रही है, नीचे में बाजार 350-400 की रेंज बना के बैठा है। अब ये लेवल हमारे पास में कहां से आ रहे हैं? ये लेवल हमारे पास में हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से बहुत ही क्लियरली आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेंज है एग्जैक्टली इसी रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। बाजार नीचे में 350, आज भी 347 के आसपास कल था और 22,500 ये हाई था। तो मार्केट इस दो रेंज में फंसा हुआ है, या तो बाजार 350 के नीचे चले तो हम फिर 22,200-22,050 के लिए चलने वाले हैं नीचे की तरफ में, या 22,500 क्रॉस करें तो 22,650-800-950 के लिए बाजार चलेगा। इंट्राडे में कल रैली क्या हो सकती है? कल इंट्राडे के लिए फिर से वही लेवल निकल के आ रहे हैं कि 22,460 के ऊपर निफ्टी मिलेगी हमें, तो हम 22,410 के आसपास का स्टॉप लॉस बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी वैसे ही दिखाई दे रही है। बट बुलिश कैंडल नहीं है, सबके सब हैमर्स हैं, सबके सब रिजेक्शन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार एक सेलिंग प्रेशर में तो है, तो 410 के नीचे ही हम ट्रेड लेंगे सेलिंग का, पर वहां पे 350 का एक सपोर्ट मिल जाता है। तो 350 के आसपास ऑप्शन चेन को चेक कीजिए, वहां पे एक सपोर्ट दिखाई देता है, तो दोबारा से बाइंग इनिशिएट करते हैं छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ में। आज भी बैंक निफ्टी के ट्रेड हमने ट्रेडिंग रूम में बहुत अच्छे से किए थे, कल भी हम 0-0 सेकंड हाफ में ही करने वाले हैं, और 0-0 में हम 0 नहीं करते, हम बात करते हैं वैलिड स्टॉप लॉस की, हम ढूंढते हैं स्टॉप लॉस को। आप ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, लाइव लर्निंग करनी है, लाइव ट्रेड ढूंढना है, तो आप ट्रेडिंग रूम को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी 1 महीने की फीस जरूर है 6,000 रुपए, बट वो पैसे वसूल है, ऐसी लर्निंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और वैसे भी अगर आपको पसंद नहीं आता 3 दिन में मनी बैक गारंटी है, आपको सिर्फ मैसेज करने की आपको समझ नहीं है, आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे निफ्टी कल मैं जो प्ले करने वाला हूँ 460 के ऊपर बाजार खुलता है, प्ले करने वाला लॉन्ग साइड पे, टारगेट रहेगा 468-501 के आसपास में। दोस्तों ये बिल्कुल भी किसी तरह की टिप्स आपको नहीं दे रहा हूँ, ये एक्जैक्टली मेरा टूल है ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जिसकी हेल्प से मैं काम करता हूँ। चार्ट उसको वेरीफाई करता है, निफ्टी में क्लोजिंग का है 434 की, तो अगर 410 के नीचे रहा बाजार खुलता है तो सेलिंग का ट्रेड रहने वाले 434 मेरा क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगले दिन के ओपनिंग या सेलिंग के लिए। अब यहाँ पे 460 के ऊपर खुलता है तो भी मेरा स्टॉप लॉस 434 के आसपास रहने वाला है। तो टिप कैसी बनी? खुद ही टिप बनाओ ना, 460 के ऊपर मेरा बाय है, एसएल क्या है 434 जो आज की क्लोजिंग है,
तो और अगर मुझे शॉर्ट मारना है 410 के नीचे बाजार खुलता है तो भी 434 मेरा स्टॉप लॉस है। अब 410 के नीचे बाजार चलेगा तो लेवल की फोटो ले लीजिए 401 368 335 T3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 435 के नीचे निकलेगा तब जाके फर्दर बेरिश होने वाला है। तो मेरा पूरा का पूरा ट्रेड मैंने प्लान कर लिया मेरे TTC के हिसाब से। ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ट्रेडिंग मेंबर्स को बिल्कुल फ्री दिया जाता है पूरे एक महीने के लिए, जिसकी फीस भी 6,000 रुपए है। तो आपका कुछ ट्रेडिंग में जाएगा नहीं, आप सीखने ही वाले हैं, टूल आपको फ्री मिलने वाला है। इंस्टा ऑप्शन से जो सिग्नल मिल रहा है वो ये है कि जो निफ्टी है हमारी वो शॉर्ट बिल्डअप में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, उतना बड़ा सिग्नल नहीं है, बट फिर भी शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर मान लो कल 410 के नीचे खुलती है तो मेरे पास में बहुत अच्छा रेफरेंस है कि 410 के नीचे मेरा सेल ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आराम से निफ्टी की 22,500 की पुट ऑप्शन है ना, 22,500 ये पुट ऑप्शन मेरे लिए एक्टिव हो जाती है अगर वो 410 के नीचे बाजार चलता है। और अगर मान लीजिए 460 के ऊपर बाजार चलता है तो यहाँ पे इन द मनी ऑप्शंस में 400 की मतलब 22,400 की कॉल ऑप्शन मेरे लिए एक्टिव हो जाएगी, 350 की कॉल ऑप्शन मेरे लिए एक्टिव हो जाएगी। तो 350 से सपोर्ट लेगा तो 300 की कॉल ऑप्शन में काम करने वाला हूँ, 400 से सपोर्ट लेगा तो 400 पे काम कर सकता हूँ, एट द मनी काम कर सकता हूँ क्योंकि एक्सपायरी है। एक्जैक्ट ट्रेड क्या बनेगा ये हम कल देखने वाले, बट हाँ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के निकल के आया वो है नीचे के लिए 410 और ऊपर के लिए 460। तो जिसके ऊपर ट्रेड करेगा मैं कम से कम वहां पे अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि वीडियोस मिस ना हो आपसे। और दोस्तों से ट्रेडिंग पैटर्न से शेयर करना मत भूलिएगा, अपने जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब में वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस की रीच हो सके। चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, शाम के 6 बजे एनालिसिस की वीडियो मिलने वाली है, सब कुछ इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। 99,000 हो गए, 1,00,000 होने में सिर्फ और सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। To go and subscribe the channel now, or I need that motivation. Thank you so much. Take care. Bye bye. Jai Hind.